नवरात्रि में की जाने वाली दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। नौ दिन माँ अम्बे के नौ अलग अलग स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं और माँ से सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। शारदीय नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं और कई बार इसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है। उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए भी शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दौरान एक विशेष दुर्गा मंत्र का जाप भी करते हैं। ये मंत्र है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को दुर्गा मंत्र के नाम से जाना जाता है। दुर्गा माँ की नौ शक्तियों को जागृत करने के लिए इस दुर्गा मंत्र का जाप करते हैं। नवरात्रि में सभी ग्रहों की शक्तियों के किसी भी प्रकार के प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा मंत्र सहायक है। इसलिए दुर्गा मंत्र का जाप नवरात्रि के दौरान करने से नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। इस मंत्र को नवार्ण मंत्र भी कहते हैं, जिसका एक एक अक्षर दुर्गा माता की नौ शक्तियों को प्रदर्शित करता है। ओम परब्रह्म का सूचक है, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त होता है। एम ये वाणी ऐश्वर्य बुद्धि और ज्ञान प्रदात्री माता सरस्वती का बीज मंत्र है। रीम बीज मंत्र महालक्ष्मी से संबंधित है। रीम ऐश्वर्य धन माया प्रदान करने वाली माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीम ये शत्रु नाशक दुर्गति नाशिनी महाकाली का बीज मंत्र है। चामुंडाय चंड और मुंड नामक राक्षसों के संहार करने वाली माँ दुर्गा को चामुंडा कहते हैं। विच्चे विच्चे का अर्थ समर्पण या नमस्कार है। इस दुर्गा मंत्र का जाप 108 मोतियों या दाने की माला पर कम से कम 3 बार करना चाहिए। हालांकि नवार्ण मंत्र 9 अक्षरों का है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी के चलते इसके आगे ओम लगाकर जाप करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।